डियर चिल्ड्रेन, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 एडिशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एडिशन फैक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझ लें। फर्स्ट पॉइंट, नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल रिमेन द सेम। कहने का मतलब कि नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में अगर जोड़ते हैं तो उसका सम सेम आता है, दोनों का जो सम होगा उस सेम ही आएगा। दूसरा पॉइंट है, व्हेन वन इज एडेड टू ए नंबर, द सम इज द नंबर आफ्टर इन सक्सेसर। जब हम किसी भी नंबर में एक जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो सम होता है वो उस नंबर का सक्सेसर होता है। जस्ट लाइक 18 + 1 = 19, तो 19 जो है 18 का सक्सेसर है, 19 इज द सक्सेसर ऑफ 18। व्हेन 0 इज एडेड टू ए नंबर, द सम इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर में 0 को जोड़ते हैं तो सम जो है वही होता है, जिस नंबर में हम 0 को जोड़ते हैं वही नंबर उसका सम होता है। अब एक्सरसाइज 2.1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको वही ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिखना हो तो नंबर सेम होगा। जैसे 8 + 16, तो 16 + 8, यानी यहाँ हम लोग 16 लिखेंगे तो दोनों स्थिति में जो है दोनों का सम जो है सेम आएगा। इसी तरह इसको बनाने आपको, सेकंड बी में है ऐड बाय एक्सपेंडिंग नंबर्स। एक्सपेंडिंग मतलब ब्रेक करना, नंबर्स को ब्रेक करना, जैसे 34 + 48। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 34 को ब्रेक करेंगे, 34 को ब्रेक करेंगे तो 30 + 4, और 48 को ब्रेक करेंगे तो 40 + 8। अब क्या करेंगे कि वंस वाले को पहले ऐड करेंगे, तो 8 + 12 और 30 और 40, ये दोनों जोड़ने पर 70 आता है। अब यहाँ देखना है कि ये तो टेंस प्लेस हो गया, वंस टेंस, दो डिजिट का नंबर हो गया टेंस प्लेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेंस वाले नंबर को, टेंस वाले डिजिट को हम लोग टेंस प्लेस में ऐड करेंगे। तो टेंस प्लेस में ऐड करेंगे तो 7 + 1 = 8 + 0 = 80। तो 80, और ये जो 2 वंस प्लेस का 2 बचा हुआ है उस 2 को लिखेंगे, तो 80 + 2 = 82। तो यहाँ पे 34 + 48 = 82। तो इसी तरह से कुछ नंबर्स हैं जिसको आपको एक्सपेंडिंग नंबर्स करना, एक्सपेंड करना है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में चलते हैं। तो 2.2 में ऐड बाय रीग्रुपिंग, तो रीग्रुपिंग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडिशन में राइट साइड से वंस प्लेस से ऐड किया जाता है। तो 8 × 5 = 13 का 3 कैरी 1 कैरी ओवर टेंस प्लेस, 6 × 8 = 1 9 4 × 6 = 693। ठीक इसी तरह सभी को बनाने हैं। और इसके बाद ये 2.2 एक्सरसाइज को, ये देखिए 2.2 एक्सरसाइज आपको ये पूरे बनाने हैं, ये सारे 2.2 एक्सरसाइज का है, एडिशन को बनाने हैं। ठीक नेक्स्ट बी में है राइट इन कॉलम्स एंड हेड। अब ये देखिए कि ये दोनों नंबर हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इसको वर्टिकली बनाना है, अरेंज करना है कॉलम में ऊपर नीचे, इस तरह से अरेंज करना है दोनों को, और उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये आपको ये सब भी बनाने हैं।